सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहला अभी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देखें दूसरा सूत्र, पहला सूत्र हम लोग देखेंगे, दूसरा सूत्र में अभी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहां पर इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब यानी भी में जोड़ देते हैं, सिंगुलर वर्ब भी प्लस एस या भी प्लस ईएस का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, समझ रहे हैं आप। इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, यहां क्रिकेट में लिख दिया है भी, मतलब भी में हम लोग एस जोड़ते हैं या भी में ई एस जोड़ते हैं, का उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अभी उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे जैसे यहां पर अभी जैसे जैसे अभी उदाहरण हम लोग देखेंगे, जैसे माने उसी को हम लोग देखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मान लिया ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, यहां पर सब्जेक्ट क्या हो गया सिंगुलर, यहां पर राइट में हम लोग क्या जोड़ दिए हैं एस जोड़ दिए हैं, ही राइट्स अ लेटर, वह चिट्ठी लिखता है। तो ऐसे उदाहरण हम लोग बनाएंगे। तो अभी अभी हम लोग हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग देखेंगे। तो अभी आप लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि अभी टेंस हम देख रहे हैं तो आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाकर आप होमवर्क के लिए क्या करेंगे, 5 वाक्य बनाकर कल के लिए आप लोग लाएंगे। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाकर इसको बनाना है ना। उदाहरण के लिए दो उदाहरण हम दे दिए हैं, समझ में आई बात, दो उदाहरण दिए हैं, ही राइट्स अ लेटर। इसी प्रकार आप लोग दोनों से कम 5 सेंटेंस बनाकर कल के लिए लाइएगा, ठीक है, धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग देख रहे थे टेंस के बारे में, टेंस का मतलब, तो टेंस मतलब उसका अर्थ क्या होता है, काल, काल को क्या हम कहते हैं, समय। तो भी हम लोग देखेंगे क्लास 5वीं से 8वीं तक के सभी बच्चों के लिए क्या देख रहे हैं, टेंस देख रहे हैं, तो सब कोई इसको अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे, है ना, ठीक।